माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी अपना दल की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस ताज़ा फैसले के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज करती हूं, अपनी असहमति दर्ज करती हूं, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा है कि राज्यों को सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का कोई वह बाध्य नहीं है और प्रमोशन में आरक्षण का दावा करने का उनको अधिकार नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहती हूँ कि एससी एसटी ओबीसी के संविधान प्रदत्त आरक्षण के खिलाफ दिया गया ये कोर्ट का आज तक का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है और वंचित वर्गों के अधिकारों पर इससे भयानक कुठाराघात और कोई भी नहीं हो सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, कोर्ट के माध्यम से एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ बार बार जो इस प्रकार के फैसले आते हैं उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी न्यायपालिका के अंदर एससी एसटी और ओबीसी का प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए मैं अपनी पार्टी अपना दल की ओर से बार बार ये मांग करती हूँ कि न्यायपालिका के अंदर एससी एसटी ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व है उसको सुनिश्चित किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, संसद के पास ये अधिकार है कि कानून बनाकर ऐसे मामलों का निपटारा करे। इससे पहले भी एक परिस्थिति आई थी जब एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बदलाव किया गया था और तब हमारी सरकार ने अध्यादेश लाकर और एक नया कानून बनाकर वंचित वर्गों के अधिकार को संरक्षित करने का काम किया था और आज एक फिर ऐसी ही भयावह स्थिति खड़ी हुई है। इसलिए मैं सरकार से मांग करना चाहती हूँ मेरी पार्टी की ओर से कि इस मामले में त्वरित हस्तक्षेप करें और इस मामले का निपटारा करें, क्योंकि देश का वंचित वर्ग आज हाशिए पर खड़ा हुआ है और अपनी चुनी हुई सरकार से ये उम्मीद करता है कि इस तरीके के फैसले जो बार बार कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं, सरकार को इसमें सामने आकर वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आदेश जो आया है इस पे हमारी पार्टी का भी और हमारी मुखिया का भी पहले से मत था कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने ये करके दिखाया था कि प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था करवाई गई थी, ये व्यवस्था आर्टिकल 16 के पोर्ट ए में जो है पूरी तरह से व्यवस्थित है और उसके तहत ये कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दे रखा है कि कोई भी स्टेट सरकार प्रमोशन में भी आरक्षण दे सकती है। इस तरह की टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय से आना और उसके पक्ष में उस प्रदेश की सरकार को इन लोगों के विरोध जो है कोर्ट में जाना, ये साबित करता है कि ये पूरी तरह से दलित विरोधी और एससी एसटी विरोधी ये सरकार है और इसको और इसके खिलाफ जो है हमारी पार्टी का ये मत है का ये सर, देयर आर रीजंस टू बिलीव दैट एवर सिंस द इंसेप्शन ऑफ दिस गवर्नमेंट there is a continuous onslaught on the policy of the reservation and social justice. I'll come to you. No, you can't say. Why are you talking against government now? Why are you talking against government? What is the role of the government in that? Government ka role kya hai? No, what are you talking? Be patient. Mr. Raja, you are the learned member. You are the senior member. You don't try to attribute it to the government. The political entity of the Jharkhand government and this government is one and the same, identical, nobody can deny it. Yes. The argument that has been advanced before the Supreme Court on behalf of the BJP government in Jharkhand, now it is under attack. It is under attack. Not your government. See, the argument, sir, now, on behalf, an argument that has been advanced before the Supreme Court on behalf of the Jharkhand government. Uttarakhand government, which is a BJP government. That is true. See, senior advocates appeared before the Supreme Court, were very categorical and paved the way to the Supreme Court by claiming and arguing that it is neither the fundamental right for SCST reservation, is neither the fundamental right nor the constitutional right. Including the OBC, BC, scheduled caste, scheduled tribe, or every people. Sir, it has been settled in the PK Pavitra case in the Supreme Court with the larger bench that don't go for any opinion of the state, don't go for any enumeration work, whether it's socially, educationally people, BC, RSC, RST,
ST people came and adequately represented not is immaterial. By birth, they are entitled to a reservation that has been settled in the PK Bhavatra case. As against this judgment, as against the spirit of the judgment, now the new judgment came into existence. Okay, okay. I adjure upon the government, sir, finish. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।